चाहे। अब मियां बीवी भी समझ लें कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाइए खावंद का हक क्या है। ये जो हदीस सुनाने लगा हूं ना, ये बेटी को सुनानी है जाके, ये टेलीफोन करके बहन को सुनानी है, सिर्फ बीवी को सुनाने की नहीं होती ये चीजें। ये हदीस बेटी को समझाएं, बहन को समझाएं, इन लोगों को समझाएं, ताकि, और ये याद रखें, खावंद के हुकूक, खावंद के हुकूक अगर बच्ची के घर वाले उसे सिखाए ना तो उसकी समझ में जल्दी आ जाएंगे, और बीवी के हुकूक अगर खावंद के घर वाले उसको समझाएं तो उसकी समझ में बात जल्दी आएगी, वो खैर ख्वाह समझते हैं अपने रिश्तेदारों। ये वाली हदीसें उन लोगों को सुनानी चाहिए जिन लोगों का बच्चा है या बच्ची है। मुतलका आदमी हुकूक बयान करे, जब मुतबादल चीज किसी के सामने आती है तो वो कई दफा समझते हैं कि खुलूस इसमें पूरा नहीं पाया जाता। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं निकाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मुझे बतलाइए खावंद का हक क्या है, अगर तो मैं अदा कर सकती हूं तो मैं निकाह करूं, वरना मैं इस काम से बचूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी अगर खावंद के नाक से रींट निकले, रेशा निकले, पीप बहे उसकी नाक से, और बीबी अपनी जुबान से वो साफ कर दे तो फिर भी उसका हक अदा नहीं होता। हजरत अबू दरदा कहते हैं, आंख खोल के उस औरत ने देखा तो मेरे नबी पाक ने अगले जुमले इरशाद फरमाए, हुजूर ने फरमाया, तो इन बातों में हैरत कर रही है, मैं अगर खुदा के अलावा किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता अपने खावंद को सजदा करे, मैं उसको कहता ये काम करे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हुकूक का तायुन फरमाया, हुकूक का तायुन फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर गई, इस हाल में दुनिया से गई कि उसका खावंद उससे राजी था, उसका शौहर उससे राजी था, उसका घर वाला उससे मुतमईन था, तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं, जब दुनिया से जाएगी तो रब करीम जन्नत का दरवाजा खोल के फौरन ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा, उसको बगैर रोक टोक जन्नत दे दी जाएगी। शर्त यह है कि वो जब दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए कि उसका खामद उससे शिकवे ना करती फिरे, शिकायतें ना करती फिरे, शिकायतें ना करे। हमारे जमाने में शिकायतें होती हैं और खवातीन औरतें इस बात को समझती नहीं कि अल्लाह ने जो मेरे नसीब में रखा था और जो खामद रब ने मेरे लिए पसंद किया था वो अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है, वो शिकवे करती हैं, शिकायत करती हैं, और दूसरी औरतों को सामने रख के वो फलां के हिस्से में ये चीज आई, फलां के हिस्से में ये चीज आई, फलां का खामद यूं करता है, शिकवा करती हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतें कसरत से जहन्नम में जाएंगी, कसरत से। तो एक सहाबी रो पड़े, एक हदीस में लफ्ज ये है, रो पड़े, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो हमारी माएं भी हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी, हुजूर जहन्नम में जाएंगी।